हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, मैं रुद्रेश राघव, हापुड़ डिफेंस एकेडमी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब आपके लिए है, जिसमें आपकी सैलरी जो होगी स्टार्टिंग 62,000 से होगी, और जिसमें पेंशन है, जिसमें मेडिकल सुविधा है आपके लिए और आपके परिवार के लिए, यानी कि परमानेंट वैकेंसी, जो कि पैरामिलिट्री की सबसे बेहतरीन और शानदार जॉब आपके लिए होने वाली है। प्यारे साथियों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभिभावकगण भी हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन बैचों के साथ साथ ऑनलाइन में जितना भी हो पड़ता है, हम उतना आपकी मदद जरूर करते हैं। प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं नई वैकेंसी को लेकर के। और एक बात ध्यान रखना, चाहे तो नई वैकेंसी हो, चाहे आपका किसी प्रकार का नोटिफिकेशन हो, हम सूचना केवल आपको वही देते हैं जो आपके मतलब की हो और जिस पे आप दिल खोल करके अपना स्वागत कर सकें, जिस भी मतलब वैकेंसी के लिए, ठीक है। दो दो चार चार अगर वैकेंसी होती हैं तो हम नहीं सोचते कि भाई उसकी भी हम नोटिफिकेशन आपको दें। चलिए दोस्तों, ये है आपके पास में सीआरपीएफ के लिए, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, शानदार मौका है, ऑल इंडिया लेवल पे है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता आपकी 10वीं और 10वीं पास है। कुल पद आपके 8266 पद होने वाले हैं। टोटल पद कितने हैं? 8266, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन, ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है मेल एंड फीमेल के लिए। टोटल वैकेंसी है आपकी 8266 और क्वालिफिकेशन फॉर द कांस्टेबल। ये कांस्टेबल जो है, लेकिन दोस्तों ये है ट्रेडमैन, क्या है? ट्रेड्समैन है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना भाई, ट्रेड्समैन की वैकेंसी होने वाली है और सैलरी जो है आपकी वो 21,000 से लेकर के लगभग 70,000 के आसपास पहुँच रही है। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर के 25 साल रहने वाली है, 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहेगी, ध्यान रखना। इसमें एक चीज़ और भी होती है, आप सभी को मैं बता दूं, जैसे कि अपनी ओबीसी है, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिली हुई है, जैसे कि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट होती है, एससी या एसटी को छूट होती है 5 वर्ष की, ठीक है। और जितने भी हमारे ऐसे एरिया हैं जो नक्सल एरिया से अफेक्टेड हैं, या फिर उनको पता है, बच्चों को जो भी हमें वीडियोस देख रहे हैं, कि जैसे कि आपका तेलंगाना है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, इनमें भी उम्र में छूट होती है, इनकी हाइट में भी, हर चीज़ में इनको छूट मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे ध्यान से, आगे है आपके पास में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, इसका फिजिकल होगा, फिजिकल होगा सबसे पहले इसका। और फिजिकल में प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 5 किलोमीटर की रेस जो है वो 24 मिनट में पार करनी है, जो कि इजी वे में हर एक साथी अपना, हर एक भाई अपना पास कर जाएगा, ठीक है, बहुत इजी वे में। रिटन टेस्ट की बात करेंगे साथियों, रिटन टेस्ट आपका कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो भी बच्चे पास कर लेंगे, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में ध्यान रखना, आपके पास में ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, वो पूरी लिस्ट हम आपको बता देंगे, ठीक है। ट्रेड टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट का मतलब है, जैसे कि मान के चलो आपने कुक के लिए अप्लाई किया है, जैसे किसी बच्चे ने क्लीनर के लिए किया है, जैसे किसी ने वाटर कैरियर के लिए किया है, ठीक है। तो इन सभी में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कम से भी कम जब आप सीआरपीएफ ज्वाइन करें, तो वहां जाने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको पढ़ाया कुछ जा रहा है और आप कुछ समझ रहे हैं। आपको सब्जियाँ काटनी आनी चाहिए, आपको मसालों का ज्ञान होना चाहिए, आपको आटा लगाना आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकली मतलब घर से ही समझ के चल के जाना है अच्छे तरीके से, कि भाई हाँ आपको अगर वास्तव में सीआरपीएफ में सिलेक्शन चाहिए। और मैं मानता हूँ 8,277 या 66 जो भी वैकेंसी है, अपने आप में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। ऐसे मौके को चूकोगे तो मार खाओगे फिर ज़िंदगी में, और क्या करना है अपने को भाई, फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है। मेडिकल की बात कर रहे हैं साथियों, फिर इसमें मेडिकल होगा, फिर होगा ज्वाइनिंग। अब बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये वैकेंसी जो है कब आएंगी और कैसे आएंगी। तो प्यारे साथियों, ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, इसमें हालांकि क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर हो रहा है, ये वैकेंसी आपकी आ रही है साथियों आपकी जनवरी में, जनवरी 2025 में वैकेंसी आ रही है। वैसे तो दिसंबर से ही ये वैकेंसी आ जाएंगी लास्ट में, लेकिन जनवरी का मान के फिर भी चल लो। और ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 8,000 प्लस वैकेंसी है, तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, इसके इंतज़ार में इंतज़ार तो आपको क्या ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसी वैकेंसी ये जो है, मतलब वैकेंसी तो खैर अलॉट हो चुकी है, वैकेंसी तो अलॉट हो चुकी है, सिर्फ इसमें किसी से ज़रूरत है, जैसे ही इसकी डेट शुरू होगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की,
बस हम आपको बता देंगे और आप फॉर्म जरूर लगा देना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।